welcome back now the chapter we will be discussing is most important chapter the chapter uh, which creates phobia among the students but i promise you i think uh, that this chapter is the easiest of all the chapters if you have good concepts in the chemical bonding then you can play with this chapter and this chapter is none else than p block as far as P block is considered, it is split into two parts. First part is in class 11th, that is group 13, group 14, and the second part is in class 12th, that is group 15, 16, 17, and 18. And I think it is the easiest of all the chapters. Now let's start our discussion on the P block, and again I say I have. Uh, done my 100% to select those questions which are very important questions and select those questions which know all the concepts regarding p block uh, the questions include conceptual part reaction part as well as every aspect that can be asked in the NEET exams without wasting time let's start our p block chemistry this is p block now let's move to question number 1 क्वेश्चन नंबर वन रीड्स आउट लाइक दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकते लेट सी सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एच टू एस टू ओ सिक्स इन परसो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इन परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एक्चुअली इट्स एच टू एस ओ फाइव एच टू एस ओ फाइव दैरोज एसिड Sulfur is present in plus six oxidation state. Iron powder along with aluminium oxide and KO2 is used as a catalyst in the preparation of ammonia by Haber's process. Change in enthalpy is positive for the preparation of SO3, but by catalytic oxidation of sulfur dioxide. Okay. let's see the correct options. As far as first question is considered, this is oxoacids of sulfur. ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर आर सो मैनी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड कैरोज एसिड है मार्शल एसिड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा टिप दूंगा कि बॉन्ड्स प्रिडिक्ट करने में हमें कौन सी चीज हेल्प करेगी इफ द ऑक्सो एसिड ऑफ द फॉर्मूला एच एक्स एस एक्स ओ सिक्स और एच एक्स एस एक्स एक्टेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रोसन एच एक्स एस एक्स ओ एट दिस टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर विच कंटेन सिक्स ऑक्सीजन इट कंटेन सल्फर सल्फर लिंकेज इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होगा एंड दिस टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड सल्फर सीरीज इज कॉल्ड एज थायोनिक एसिड्स डाई थायोनिक इफ टू सल्फर ट्राइथायोनिक इफ थ्री सल्फर और इनमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जैसे एच टू एस टू ओ सिक्स इस कैटेगरी में आता है इफ यू गो टू द ऑक्सीडेशन स्टेट इट कम्स आउट टू बी फाइव इसमें अगर दो से ज्यादा सल्फर है तो फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का प्लस फाइव एंड दिस टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड डेफिनेटली कंटेज एस एस लिंकेज इफ वी हैव गॉट वन मोर ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन यहां सिक्स है यहां सेवन है देन ऑक्सो एसिड कंटेज एसओ एस लिंकेज सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज एंड दिस टाइप ऑफ एसिड सीरीज कॉल्ड एज पाइरो जैसे पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें दो सल्फर uh, दो ऑक्सो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एलिमिनेशन वाटर से बनाते एस ओ एस लिंकेज एंड नेक्स्ट वन ओ एट सीरीज ओ एट सीरीज में डेफिनेटली डेफिनेटली ओ एट सीरीज में होता है पर ऑक्साइड लिंकेज just say we have got one of the known acid called as marshall's acid H2S2O8 इसमें जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे इट बिकम्स माइनस सिक्सटीन इट बिकम्स प्लस टू तो इसका मतलब है ये ऑक्सी सल्फर होगा इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस सेवन डेट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सल्फर तो इसका मतलब ये फॉल्स ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सेवन है तो अब हमें प्लस सेवन क्यों आता है क्योंकि इसमें सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स नहीं होते कुछ ऑक्साइड्स होते और कुछ परोक्साइड्स होते तो डेफिनेटली इसमें परोक्साइड लिंकेज होता है एंड दैट लिंकेज लिंकेज ठीक है तो इसका मतलब है तो हम देख के ही सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में ये चेक कर सकते हैं कि कहां पे कौन सी टाइप की लिंकेज है इफ इट्स ओ सिक्स सीरीज देन इट सल्फर सल्फर बॉन्ड सॉरी सा मुझे लगता है, हैंग हो रहा है एगॉट बैट एगॉट इट बैक नाउ इफ इट्स सिक्स सीरीज इट कंटेज सल्फर सल्फर बॉन्ड इफ इट्स ओ सेवन सीरीज इट कंटेज एसओ एस बॉन्ड कल डे पाइरोनिक एसिड सीरीज और इनको कहते हैं पोरऑक्साइड सीरीज अब देख लीजिए हमारा जो पहला एसिड है वो है H2S2O6 तो ये टू इस टाइप का है इसमें एस एस लिंकेज है एस एस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एच टू एस टू ओ सिक्स इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इन पोरऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड दूसओ फाइव

इट मीनस दैट ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड सम आर प्रेजेंट इन द परॉक्साइड तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते इसमें एक परोक्साइड लिंकेज आ जाती है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैच करता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें एक फर्क है कि यहां परोक्साइड लिंकेज भी है जो सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं होता है एंड इफ यू चेक इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर छह बॉन्ड्स बना रहा था ऑक्सीजन के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा प्लस सिक्स माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन सो टोटल मिलके ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आता है प्लस सिक्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस इज प्लस सिक्स तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है तो हमें आता है प्लस एट बट दिस इज नॉट द करेक्ट इट्स कॉल्ड एज फॉल्स फॉल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेज पर linkage that's why it is called as peroxosulfuric acid now let's go to the third statement Take this this is general statement iron पाउडर अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड के ओ टू इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया और इसमें जो कैटेलिस्ट यूज होता है वह आयरन पाउडर यूज होता है एंड एल्यूमिनियम एंड के आर यूज एज प्रमोटर्स इन दिस सो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है फोर्थ

इन करेक्ट स्टेटमेंट है तो इनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह है वन टू एंड थ्री सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट नाइट्रोजन इज लीस्ट लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोर्स अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्टिविटी की बात कर लेंगे डेफिनेटली नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है एंड नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड एज इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर इट इज बिकॉज इसका जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है दैट एज गॉट हाई डिसोसिएशन एन थैलपी तो इसको रूम टेम्परेचर पर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है इन कंपेरिजन टू दिस फॉस्फोरस कंटेन्स फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड्स तो ये इजिली ब्रेक हो जाएगा इस वजह से फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है एंड नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव दैन फॉस्फोरस इसका मतलब आवर एसरशन इज करेक्ट नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलपी दैन फॉस्फोर नो दिस इज नॉट द रीजन एंड दिस रीजन इज इनकरेक्ट दो दो वजह नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलपी होता है दैट इज डेल्टा ईजीएच तो अगर हम डेल्टा ईजीएच की बात कर लेते हैं इफ यू गो टू डेल्टा एजीएच इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एन थे इलेक्ट्रॉन गेन एन थेक्ट्रॉन इज एडिड टू ग्रुप्टीन एलिमेंट एनर्जी रिलीज लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी पॉजिटिव है जब इलेक्ट्रॉन आप एड करोगे नाइट्रोजन में इट रेजिस्ट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रादर देन रिलीज इट इट इज रिक्वायर्ड इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंड थेलपी पॉजिटिव होता है इसके दो रीजन है एक तो इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है पी थ्री हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होता है एंड इन एडिशन टू दैट सेकंड फैक्टर जो नाइट्रोजन में फेवर करता है वो इसका स्मॉल साइज स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होते हैं सो आउट ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन गेन एंड ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव एंड फॉस्फोरस इज नेगेटिव फॉसफोरस एनर्जी रिलीज होता है फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपीड एन फॉस्फोरस नो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ठीक है नाउ एसर्शन करेक्ट है रीजन इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो नाइट्रोजन क्यों कम रिएक्टिव होता है इट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड एसोसिए और दूसरा पॉइंट आउट ऑफ ऑल द ग्रुप फिफ्टी एलिमेंट ऑल द एलमेंट्स स्ट्रॉन्ग टेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज अब्बॉर्ब इट इज बिकॉज नाइट्रोन का एक छोटा तो साइज होता है दूसरा इसका स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन है कंबिनेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द नाइट्रोजन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेन्स इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एन थे गोइंग टू बी पॉजिटिव नाउ क्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन आयोडाइड कैनॉट बी प्रिपेयर बाई द रिएक्शन ऑफ के आई विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जरा के आई हम कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट कराएंगे सो के आई रिएक्ट विथ एच टू एसओ फोर पहली बार कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के आई को ब्रेक करेगा इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एच आई प्लस बनाएगा पोटेशियम सल्फेट ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन जो एच आई यहां बनता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है यह HI एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट करता कैसे सल्फ्यूरिक एसिड इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सल्फ्यूरिक एसिड एच आई को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता आयोडीन में आई निगेटिव हियर गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है एसओ टू में अब देख लीजिए के आई एच टू एसओ फोर एच आई जो भी बनेगा वो फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में ठीक है नाउ लेट्स गो टू दिस एचआई कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई द रिएक्शन ऑफ के आई विथ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है नहीं बन सकता है क्योंकि एच आई आयोडीन में आ जाएगा वजह एचआईज एच एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ एमंग देलोजन एसिड पहले अगर मैं ये स्टेटमेंट रीड आउट कर लेता हूं एच आई हैज लोएस्ट एचएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ एमंग हेलोजेन एसिड डेफिनेटली डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ इनक्रीज एच एफ एस एच सी एल एच बी आर एच आई सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा एच आई ठीक एच आई हैजोएंगटली ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्स है तो पहला क्यों नहीं बनता है क्योंकि एच आई को सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है तो रीजन इज दैट

ठीक है तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड मतलब इसका ऑप्शन सेकंड होगा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ठीक तो ये आएगा स्टेटमेंट सेकंड इसका चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एस एट बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट ओ टू डेफिनेट है ग्रुप एट सिक्सटीन एलिमेंट में ऑक्सीजन इज द ऑनली एलिमेंट एक्ट ऑफ डाइ एटोमिक बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टा एटोमिकल्फर है सल्फर के दो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है रोमबिक और मोर्नोकलिनिक दोनों दोनों एस एट फॉर्म में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पकर्ड कॉन्फिग्रेशन पकर्ड कॉन्फिग्रेशन बनती है बोट शेप अब वजह क्या है इसका चलिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है एसर्शन करेक्ट है सल्फर एग्जिस्ट करता इन द फॉर्म ऑफ एस एट एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता इन द फॉर्म ऑफ ओ टू स्टेटमेंट करेक्ट है नाउ लेट्स गो टू द रीजन वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एस ओ टू एंड S8 एग्जिस्ट सल्फर एग्जिस्ट इन एसइट उसका रीजन देखेंगे पहले दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड डेफिनेट है ऑक्सीजन को स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है पीपाई पी पाई बॉन्ड बनाने की ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्मॉल बॉन्ड परफेक्ट बट पीपाई पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन द सल्फर डेफिनेटली है तो ऑक्सीजन और सल्फर में पी पाई पी पाई बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन नॉट सल्फर तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है पहला स्टेटमेंट भी सही है दूसरा स्टेटमेंट भी सही assertion is correct reason is correct नाउ अब क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का पक्का ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म में बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ ओ डबल बॉन्ड तो ये बनाता ऐसा लेकिन सल्फर का जो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म ऑफ द सल्फर टेक्स्ट बुक में मेन्शं है यहाँ पे सल्फर यहाँ पे सल्फर 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट आठ सल्फर है इसमें ठीक है अब देखिए यहाँ पे खाली सल्फर सल्फर बॉन्ड्स है यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पी पाई पी पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी डेफिनेटली करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट दैट इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द दिन ठीक तो ये था हमारा क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट्स मैचिंग टाइप इफ यू गो टू द द्वेश्चन से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और यहां से इनके शेप्स या जियोमेट दिए गए हैं तो शेप्स निकालने के लिए हमें पहले स्टीरिक नंबर बनाना होगा हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा फिर आराम से शेप निकलेगा तो पहला जो है एस एफ फोर गो टू द एस एफ फोर एस एफ फोर सल्फर के वी नो डेट सल्फर कंटेन सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स में से फ्लोरिन के साथ चार यूज हुए तो बॉन्ड चार है तो छे में से अगर चार यूज हो गए तो एक लोन पेयर होगा इसका स्टीरिक नंबर बनेगा फोर प्लस वन बी आर एफ थ्री ब्रोमिन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सात सात में से तीन यूज हो चुके हैं प्लस तो चार बचे वो हो गए इन द फॉर्म ऑफ टू लोन पेयर इसका स्टीरिक नंबर थ्री प्लस टू बनेगा बी आर ओ थ्री नेगेटिव बी आर ओ थ्री नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है अगर हम बना लेंगे बी आर ओ थ्री नेगेटिव यह ऐसा ये होगा बी आर ओ थ्री नेगेटिव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो इसका स्टीरिक नंबर बनेगा थ्री प्लस वन डिफरेंट फॉर्मूलाज हमारे पास है दे आर ओ थ्री नेगेटिव दूसरा तरीका है ब्रोमीन नेगेटिव नेगेटिव आने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एड कर लेना है तो सेवन से लेके आठ आ जाएगा आठ में से छह यूज हो चुके हैं तो एक लोन पे बचेगा थ्री प्लस वन अमोनियम अमोनियम में बॉन्ड्स तो चार दिख रहे हैं प्लस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच थे पांच में से एक गया तो चार ही बचे चारों के चारों यूज हो गए तो कोई लोन पे नहीं होगा फोर प्लस जीरो तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इट इस एसपी थ्री डी अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें थ्री प्लस टू इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे फिर से एसपी थ्री डी है थ्री प्लस वन हो गया एसपी थ्री प्लस जीरो हो गया एसपी थ्री इनके हाइब्रिडाइजेशन है ठीक है तो अगर हम शेप्स की बात कर लेंगे एसपी थ्री डी फोर प्लस वन इसकी जियोमेट्री होती है इसकी जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई लेकिन एक जगह पे लोन पेयर है लोन पेयर एक्शर पे रखते हैं you know ज्यादा है, होगा वो होता है इक्विटोरियल अगर हम लोन पेयर को यहां रख देते हैं इसका मतलब ये वाली शेप जो बनेगी वो होगी सी सो शेप तो एस एफ फोर की जो शेप है वो होगा सी सो ठीक बी आर एफ थ्री इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री यही बनेगी लेकिन लोन पेयर दो है तो अगर हम दो लोन पेयर रखने वाले हैं तो अगर हम दो लोन पे रखने वाले हैं मी मेक इट हेयर दो लोन पे रखने वाले हैं दिस शेप बिकम्स टी शेप लेकिन परफेक्ट टी नहीं होगा ये होगा बेन टी शेप बी आर एफ थ्री होगा बेन टी शेप बी आर ओ थ्री थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन टोटल फोर तो टेट्राहेड्रल है टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है लेकिन इसमें एक लोन पेयर है तो लोन पेयर अगर हम एक जगह रखेंगे फिर जो शेप बचती है दिस शेप इस डिडल थ्री प्लस वन होगा पिरामिडल शेप एनएच फोर फोर प्लस जीरो तो ये टेट्राहेड्रल ही है टेट्राइडल इस तरीके से कोई लोन पेयर नहीं है सो इटव टेट्राहेडल होगी बेंटी शेप थ्री प्लस वन इसकी जो हो हो शेप होगी डेटल बी पिरािडल शेप एंड फोर प्लस जीरोल ठीक मून आउट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कॉलम वन में कंपाउंड दिए हैं कॉलम टू में इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज वट एवर पहला है सल्फ्यूरिक एसिड सेकंड है ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, थर्ड है क्लोरीन एंड फोर्थ है सल्फर दो एलिमेंट्स और दो कंपाउंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंड यू नो दैट पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाइस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी होती है वो होती हैलोजेंस की और हेलोजेंस में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी होती वो होती है क्लोरीन की तो हाइस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी जो है दैट मैचेस विद क्लोरीन ठीक सेकेंड चालकोजन चालकोजन इज द नेम गिवन टू ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिल्यूरियम पोलोनियम अब इनमें से ग्रुप 16 कौन सा है दैट ऑब्वियसली सल्फर थर्ड टीयर गैस दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक टीयर गैस इज द कंपाउंड विथ दिस फॉर्मूला ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथीन सीसीएल थ्री एनओ टू तो इस कंपाउंड को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीयर गैस एंड फोर्स स्टोरेज बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंशनड है स्टोरेज बैटरीज लेड स्टोरेज बैटरीज में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दैट इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड तो स्टोरेज बैटरीज में जो यूज होता है दैट इज एच टू एस ओ फोर तो मैचिंग तो हमने यहां से कर दी अब यहां से आप खुद से देखते कि किसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तो अगर हम ए देखेंगे ए इज मैचिंग विथ फोर ए इज मैचिंग विथ फोर या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा बी इज मैचिंग विथ थ्री बी इज मैचिंग विथ थ्री तो इसका मतलब बी मैच थ्री के साथ हो रहा है तो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है सी इज मैचिंग विथ वन सी इज मैचिंग विथ वन एंड डी विथ टू इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन ठीक चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैचिंग टाइप का मैचिंग टाइप में यहां से प्रॉपर्टीज दी गई है यहां से एलिमेंट्स हीलियम, एक्सी एफ सिक्स एक्सीएफ फोर आर्गोन इफ वी गो फॉर दिस ऑप्शन इट्स पार्शियल हाइड्रोलिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम सेकेंड इट्स यूज इन मॉडर्न डाइविंग एपेरेट्स इट्स यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोस्फियर इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इट सेंट्रलिटम इज एस डी टू हाइब्रिडाइजेशन ठीक तो ये हमारे प्रॉपर्टीज है और फिर इसके साथ मैच करना पड़ेगा तो पहली बात इट्स पार्शल हाइड्रॉिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रलिटम जब हम हाइड्रोलिसिस किसी भी कंपाउंड के करते हैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिस नॉट एरोडॉक्स रिएक्शन सिंपली कंपाउंड ब्रेक होता है वाटर के प्रेजेंस में एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट तो किस तरीके से जाता है लेकिन दो कंपाउंड्स पी ब्लॉक में ऐसे है जिनके हाइड्रोल रोडॉक्स रिएक्शन है उनमें से वो दोनों के दोनों कंपाउंड बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 18 कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस दैट इज जीन ऑन डाई एंड जीन ऑन टेट्राफ्लोराइड याद रखिएगा एक्सई एफ टू एंड

ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है लेकिन कौन सा ऐसा फ्लोराइड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा सो दे रिएक्शन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोलिस में चेंज होता है लेकिन जो इनका तीसरा फ्लोराइड है दैट्स दिक्कस उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है ये सिंपल हाइड्रोलिसिस होती है इट नॉट ए रोडॉक्स हाइड्रोलिस सो एक्सई एफ सिक्स डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन िस तो इसका मतलब इसका मैच होगा एप्सिक्स के साथ ठीक सेकेंड इट इज यूज इन मॉडर्न डाइविंग एपेरिट्स इनमें से कौन सा डाइविंग एपेरेट्स में यूज होता है और इसका सीधा करेक्ट आंसर है हीलियम इज़ यूज इन मॉडर्न डाइविंग एपेरेट्स वजह हीलियम की सोलबिलिटी बहुत कम होती है एक तो पहले ही नॉन पोलर है इसका साइज छोटा है इसको पोलराइज करना मुश्किल होता है इसकी लो सॉल्विलिटी की वजह से इसको यूज किया जाता है इन मॉडर्न डाइविंग एपेरेट्स ताकि ब्लड में डिजोल्व नहीं होता है इट इज ऑल्सो यूज एज ए डायल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन तो जो नोबल गैस इनमें मॉडर्न डाइविंग एपेरेट्स में यूज होता है दैट इज ऑब्वियसली थर्ड इट इज यूज टू प्रोवाइड इनर्ट सॉरी इट इज नॉट इनसर्ट इट्स इनर्ट एटमोसफियर फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्बस इनर्ट एटमोसफियर प्रोवाइड करना बल्ब में फिलिंग करने के लिए कौन सा नोबल गैस ही यूज होता है और वो कौन सा नोबल गैस होगा ओब्वियसली वन नोबल गैस इज लेफ्ट दैट इस टेक्स्ट बुक ने इसके यूज में लिखा है इट्स इस यूज इन क्रिएटिंग इनर्ट एटमोस्फेयर एंड दैट इसल्सो यूजड इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ताकि वहां इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोवाइड हो जाए एंड फाइनल इट सेंट्रल एटम इज In है, प्लस। के आठ है, आठ से चार यूज हो गए चार बचे वो इन दू लोन पेयर तो इसका फोर प्लस टू आ जाएगा सिक्स सिक्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी थ्री डी टू तो ये इसके साथ मैच करेगा जरा इसके ऑप्शन देख लेते हैं ए के साथ मैच हो रहा है टू ए के साथ फिलहाल मैच हो रहा है टू तो ये फिलहाल ऑप्शन जा रहा है बी के साथ मैच हो रहा है वन ए टू बी वन सही जा रहा है थ्री के साथ इट्स यूज टू प्रोवाइड इनर्ट अट एटमोसफेयर थ्री के साथ फोर जा रहा है यानी सी के साथ फोर जा रहा है ठीक जा रहा है सी के साथ फोर और डी के साथ थ्री जा रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड दिस इज द क्वेश्चन मैचिंग टाइप क्वेश्चन फ्राम द नोबल गैसेज और नोबल गैसेज के यूज में बहुत सारे सवाल आस्कड भी है आते भी है और आएंगे भी सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ इट्स मोट नेक्स्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा ट्रू हो सकते ऑप्शन लिखे हुए नीचे लेट्स गो टू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ नोबल गैस आर ड्यू टू वीक डिस्पर्शन फोर्सेज ऑब्वियसली है नोबल गैसेस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है इनमें जो खाली फोर्सेज ऑपरेट होते हैं डेट आर इनस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल तो इस वजह से जो फोर्स force, उन फोर्सेस का नाम हम देते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस ठीक है तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है नो डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन नो आइन डायपोल इंट्रेक्शन ओनली द फोर्सेज दैट वीक फोर्सेज आर डिस्पर्सन फोर्सेज जिनको हम रोटेटिंग डायपोल्स कहते हैं आयोनाइजेशन एंड थेपी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू डेट ऑफ जीनॉन बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन नॉट एटोमिक ऑक्सीजन इसका जो आयोनाइेशन एनथेलपी है यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जीनॉन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं और जीनॉन की बात कर लेता हूं जीनॉन का जो आयोनाइजेशन एनथेलपी है ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इट्स 1175 किलो किलोजूल्स पर मोल और जीनॉन का अराउंड 1170 किलो किलोजूल्स पर मोल फॉर्मेशन ऑफ ओ टू पॉजिटिव प्लस पीटी एफ सिक्सिव अगर ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी 1175 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल है ऑक्सीजन के साथ दैट प्रॉम्पटेड साइंटिस्ट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट और जीनॉन और उन्होंने जब जीनॉन के साथ यही रिएक्शन कर दी उनको पहला नोबल गैसेस का कंपाउंड मिला ट इज एक्सई पी टी एफ सिक्स ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा जीनॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका कॉन्सेप्ट था क्योंकि दोनों की आयोनाइेशन एनर्जी कंपेरेबल है एंड दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस ये नोबल गैसेस का पहला कंपाउंड है जिसको प्रिपेयर किया गया है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन और जीनोन की जो आयोनाइजेशन से दैट आर कंपेरेबल इसका मतलब है हमारा दूसरा स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है लेट्स गो टू द थर्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्सई इट्स नॉट हाइड्रोजन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इट्स हाइड्रोलिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्सई एफ सिक्स इज एरोडॉक्स रिएक्शन अभी मैंने आपसे कहा जीनॉन के दो फ्लोराइड ऐसे जिनका हाइड्रोलिसिस रोडॉक्स होता है एक्सी एफ टू एंड एक्सी एफ फोर लेकिन एक्सई एफ सिक्स का हाइड्रोलिस रोडॉक्स नहीं होता है एंड यू कैन चेक द टेक्स्ट बुक जब हम एक्स सी एफ सिक्स की हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं एक्ससीएफ सिक्स फर्स्ट कॉन्वर्सी into XeOF4, then it converts to इट कन्वर्ट्स टू to XeO3. देन फाइनली टू एक्सई अब जब आप देखोगे यहाँ प्लस सिक्स है यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन प्लस सिक्स है यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन प्लस सिक्स है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन प्लस सिक्स है तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है इट्स नॉट एरोडॉक्स रिएक्शन सो इज एरोडॉक्स रिएक्शन का मतलब यह वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है आर नॉन रिएक्टिव नो फ्लोअर्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोलिस यहां पर रिडक्शन कर सकते हैं येडिस बिहेव करते हैं तो ये रिएक्ट करते है इसका मतलब यह है कि ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है दे आर रिएक्टिव नॉट नॉन रिएक्टिव सो आउट ऑफ फोर ऑप्शन आउट ऑफ फोर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ठीक चले लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन

जैसा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है वी गेट एनओ बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है तो आपको एनओ प्लस वाटर मिल रहा है तो हमें बताना है अगर हमारे पास द मोल्स ऑफ एनओ प्रोड्यूसड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ अमोनिया अगर हमारे पास अमोनिया के दो मोल्स है एनओ NO के कितने मोल्स हो गए सिंस देखिए दो तरीके से कर सकते हैं चले पहला तरीका हम जनरल लेंगे इफ वी बैलेंस रिएक्शन इट्स अ रोडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मूव फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस टू इट गोज फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस टू ऑक्सीजन यहां जीरो है लेकिन यहां दोनों जगह माइनस दो टू है लेट्स गो फॉर द एन माइनस थ्री टू प्लस टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल इज फाइव ऑक्सीजन का 0 से -2 चेंज 2 है लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम्स है तो 2 2 हो गया 4 अब हम जब बैलेंसिंग करते हैं वी नीड टू इक्वेट 4 एंड 5 इट्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 तो इसका मतलब होगा 4 टाइम्स अमोनिया और ये होगा 5 टाइम्स ऑक्सीजन ठीक है 4 टाइम्स अमोनिया का मतलब ये होगा 4 टाइम्स NO अब यहां हाइड्रोजन ट्वेल्व टाइम्स आ गया तो सिक्स टाइम्स वाटर लगा देंगे हाइड्रोजन ट्वेल्व बराबर आ गया अब ऑक्सीजन यहां से फाइव इंटू टू हो गया टेन फोर प्लस इज बैलेंड जरा आप देख लेते हैं इन दिस रिएक्शन फोर अमोनिया विल प्रोड्यूस फोर मोल्स ऑफ एनो सो जितने अमोनिया के मोल्स है उतने नाइट्रिक ऑक्साइड के भी मोल्स बनेंगे ठीक है तो अगर अमोनिया के दो मोल्स हो गए तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी दो मोल्स ही बनेगा तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड सिंस इन दिस रिएक्शन दो शॉर्टकट तरीका सिंस इन दिस रिएक्शन नो अदर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन फॉर्म सो नाइट्रोजन इज और ओनली प्रेजेंट इन नाइट्रिक ऑक्साइड तो इसका मतलब है जितने यहां नाइट्रोजन हो गए उतने नाइट्रिक ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन हो गए दैट मीन्स मोल्स ऑफ ओमोनिया एंड एनो शुड बी इक्वल अगर ओमोनिया के दो मोल्स है तो एनओ भी दो मोल्स बनेगा अगर ओमोनिया के एक्स मोल्स है तो ये भी एक्स मोल्स बनेगा सो अवर आंसर इज इफ यू गॉट टू मोल्स ऑफ अमोनिया ऑक्साइड विल ऑल्सो बी टू मोल्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ठीक है इन द एनाइन ऑफ टू कंपाउंड टू तो अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे इसका जब हम कैटाइनिक पार्ट देखेंगे वो होगा सोडियम एच टू तो एनाइनिक पार्ट जो बनेगा वो होगा PO2 टू तो अगर हम इसको ब्रेक कर लेंगे डिसोसिएट कर लेंगे तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा एन ए एच टू पीओ टू इट गिव्स सोडियम पॉजिटिव प्लस टू टाइम्स एच पॉजिटिव प्लस पीओ टू अब सवाल है PO2 टू पे चार्ज क्या आएगा सिंस थ्री पॉजिटिव बाहर आ गए हैं तो इस पे आएगा माइनस थ्री तो पीओ टू माइनस थ्री इसमें फॉस्पोरस का ऑक्सीडेशन से देखना है तो फॉस्पोरस का एक्स रखेंगे प्लस ऑक्सीजन का टू इंटू टू हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है नाउ इफ यू गो फॉर दिस कैलकुलेशन तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर तो ये होगा प्लस वन तो फॉस्फोर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो होगा दैट्स प्लस वन और ये होगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप टेट्राहेड्रल शेप किसकी नहीं होगी टेट्राहेड्रल शेप तभी पॉसिबल है जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और स्टीरिक नंबर होगा स्टीरिक नंबर होगा फोर प्लस जीरो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरिक नंबर एनएच फोर पॉजिटिव यह होगा फोर प्लस नाइट्रोजन के पांच है पॉजिटिव चार्ज कमरे भी एक इलेक्ट्रॉन गया है कोई भी लोन पेयर नहीं होगा चारो यूज हो चुके हैं फोर प्लस जीरो एस आई सी एल फोर चार बॉन्डस है प्लस सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन चारो यूज हो चुके हैं तो लोन पेयर नहीं है फोर प्लस जीरो एस एफ फोर चार बॉन्ड्स है प्लस सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन छह है छह में से चार यूज हो चुके हैं तो अभी दो बचे इन द फॉर्म ऑफ वन लोन पेयर फोर प्लस वन एसओफो डाई नेगेटिव चार ऑक्सीजन चार सराउंडिंग एटम प्लस सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह अगर इन दो को भी ऐड कर देंगे हो गए एट दिस इज ओनली द फॉर्मूला तो बनेगा एट आठ में से चार ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना आठ के आठ यूज हो गए तो कोई लोन पेयर नहीं होगा या अगर मैं इसका सीरिक नंबर भी बनाता हूं इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फेट का एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड ओ ने चार सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं सल्फर के वैलेंस के बराबर यूज हो चुके हैं तो इसका नंबर भी आ रहा है सो आउट ऑफ फोर ऑप्शन थ्री ऑप्शन है फोर प्लस लोन फिर इसका मतलब इन तीन की शेप जो है ओनली वन जो बचा 4, इसका होता है सी सो शेप और ये डिस्कस भी कर चुके हैं तो ये इसका होगा करेक्ट ऑप्शन लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है हाव एवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट द कंपाउंड इट्स। नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स है वो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सिनिक एंटेमिनी एंड बिस्मथ इनके पॉजिटिव में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते प्लस फाइव एंड प्लस थ्री एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट वी नो एट पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर प्रोमनेट इन द लोअर एलिमेंट्स हायर एलिमेंट्स है और बिस्मत में इनर्ट पेयर इफेक्ट का ज्यादा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और हायर की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज यानी प्लस फाइव की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा और प्लस फाइव प्लस थ्री की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा इसका मतलब है बिस्मत का ज्यादा स्टेबल प्लस थ्री है इन कंपेरिजन टू बिस्मत प्लस फाइव लेकिन बाकी एलिमेंट्स का प्लस फाइव ज्यादा स्टेबल होता है ठीक लेकिन बिस्मत कुछ कंपाउंड बनाता है प्लस फाइव में और वो कंपाउंड तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एंड दैट ओनली पॉसिबल जब बिस्मत के साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ा होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरिन फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन बोथ हैव द स्ट्रॉग टेंडेंसी टू स्टेबिलाईज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन फ्लोरिन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वजह से यह प्लस फाइव बिस्मत को ज्यादा स्टेबिलाइज कर सकता है फ्लोरिन ऑल्सो इन मोर स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट तो बिस्मत का एक ही कंपाउंड जो प्लस फाइव में एग्जिस्ट करता है होगा बिस्मत फ्लोराइड इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बिस्मत सो दिस इज द ओनली कंपाउंड जो बिस्मत का प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर लेता है इट इज बी आई एफ फाइव ना लेट्स मोटो नेक्स्ट कंपाउंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट

जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये, ये जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा जब हम इसको हीट करते हैं इट डिकम्पोज लाइक दिस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं मेटल ऑक्साइड अब मेटल ऑक्साइड की एम एक्स ओ वाई प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बनता है लेकिन इसमें ग्रुप वन एल्कली मेटल्स डिफरेंस दिखाते हैं ग्रुप वन के मेटल नाइट्रेट्स डे डिकम्पोज लाइक दिस दे फॉर्म मेटल नाइट्राइट्स प्लस ऑक्सीजन गैस सो दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रुप वन एलिमेंट्स और उनमें से एक एलिमेंट ये रिएक्शन नहीं दिखाता है दैट इज लिथियम लिथियम इज इंक्लूडेड इन फर्स्ट कैटेगरी लिथियम ग्रुप टू पी ब्लॉक नाइट्रेट्स दे डिकम्पोज लाइक दिस मेटल नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड के साथ जो गैस रिलीज होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब सवाल है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो एक एनओ टू बनेगा और दूसरा बनेगा लेड का ऑक्साइड देखिए वो ऑप्शन खाली मैच होता है इधर अब दूसरी चीज लेड का ऑक्साइड जो बनेगा विल इट बी पीबीओ और पीबीओ टू फिर से अगर मैं लेड की बात करूंगा कार्बन फैमिली में है कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन एंड लेड इस ग्रुप के दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर प्लस टू पेयर की इफेक्ट की वजह से जो बेस एलिमेंट होगा इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब है लेड प्लस टू इज मोर स्टेबल देन लेड प्लस फोर तो लेड का जो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है वो है पीबीओ इनकम्पेजन टू पीबीओ टू इसका मतलब है लेड का जो ऑक्साइड यहां पे बनेगा वो होगा पीबीओ प्लम्बस ऑक्साइड पीबीओ और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो होगा एनओ टू तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो प्रोडक्ट फॉर्म डर पीबीओ एंड एनओ टू तो पीबीओ एनओ टू डेट्स ऑप्शन नंबर टू डेट्स करेक्ट ऑप्शन ठीक नाउ लेट्स मूव टू दे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग एसिड फॉर्म थ्री सीरीज ऑफ सोल्ट डिफरेंट एसिडर आपको इट कैन बी मोनोबेसिक डाइबेसिक ठीक है और समटाइम्सिकल्सो जो एसिड मोनोबेसिक होगा डेट रिलीज ओनली वन एच पॉजिटिव खाली एक ही टाइप का सोल्ट बनाता है जैसे एग्जाम्पल है एच एनओ थ्री एच एन थ्री जब एच पॉजिटिव देगा ये बनाएगा एनओ थ्री नेगेटिव तो इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड विल फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट दैट विल बी नाइट्रेट्स क्योंकि एक ही एच पॉजिटिव है अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड हैज गॉट एन फैक्टर इक्वल टू टू बेसिसिटी इक्वल टू टू इसके पास दो एच है दो एच रिलीज कर सकता है तो एच टू एसओ फोर if it releases only one it forms hso4 negative and if it releases both these hydrogen it forms sulfate iska matlab hai sulfuric acid do series ke salts bana sakta hai ek bisulfates dusra sulfates because iska jo n factor r is equal to 2 similarly agar koi acid tri basic hoga jaise example hai h3po4 phosphoric acid इन फैक्टर थ्री है इसका मतलब थ्री सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बना सकता है अगर एक एच पॉजिटिव निकलेगा इट फॉर्म्स एच टू पी ओ फोर नेगेटिव डाइहाइड्रोफॉस्फेट अगर एक और एच निकलेगा यह बनेगा एच पी ओ फोर नेगेटिव हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड टू नेगेटिव और अगर तीसरा भी निकलेगा यह बनाएगा पीओ फोर थ्री नेगेटिव डेट फॉस्फेट सो फॉस्फोरिक एसिड हैज टेंडेंसी टू फॉर्म थ्री सीरीज ऑफ सोल्ट डायहाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट तो वही एसिड थ्री सीरीज ऑफ सॉर्ट्स बना सकता है जिसका एन फैक्टर जिसका बेसिसिटी थ्री होगा लेट्स एच थ्री पीओ टू ये मोनोबेसिक होता है एन फैक्टर इज इक्वल टू वन बोरिक एसिड ये लिविस एसिड है तो इसका भी एन फैक्टर वन ही होता है एच थ्री पीओ थ्री ये डाइबेसिक होता है इसका एन फैक्टर टू होता है एंड फॉस्फोरिक एसिड इज बेसिक थ्री होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस थ्री पीओ फोर जो मैंने लिखा हैल so, है है। तो भी, well भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए और आइसोस्ट्रक्चरल में तो शेप सेम होना चाहिए शेप सेम होने के लिए स्टीरिक नंबर सेम होना चाहिए ठीक है इफ यू गो टू द फर्स्ट ऑप्शन कार्बोनेट टू नेगेटिव एंड नाइट्रेट थ्री नेगेटिव अगर मैं कार्बोनेट का सीओ थ्री सी थ्री डाई नेगेटिव एंड एनओ थ्री नेगेटिव इसका स्टीरिक नंबर अगर हम बना लेंगे इट विल बी थ्री प्लस कार्बन के वैलेंस चार अगर इन दो को भी ऐड कर लेंगे हो गया सिक्स तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा छह यूज हो गया इसका थ्री प्लस जीरो इसका स्टीरिक नंबर बनेगा थ्री प्लस जीरो कॉर्बरी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं नाइट्रेट का स्टीरिक नंबर भी सेम आएगा थ्री प्लस जीरो स्टीरिक नंबर आप निकाल सकते थ्री प्लस जीरो दोनों का इसका मतलब इनकी शेप सेम है ठीक है जरा सीएल का सीएल थ्री नेगेटिव का देख लेंगे तो सीएलओ थ्री नेगेटिव का स्टीरिक नंबर पहला कंपाउंड जो इधर नेगेटिव है इसका आएगा थ्री प्लस क्लोरीन के साथ और एक हो गए आठ आठ में से छह यूज हो चुके हैं अभी भी एक लोन पेयर है थ्री प्लस वन कार्बोनेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया थ्री प्लस जीरो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता शेप सेम ही नहीं है एसओ थ्री टू नेगेटिव एनओ थ्री नेगेटिव एसओ थ्री टू नेगेटिव सल्फर के बैलेंस छ है थ्री प्लस छलेंस इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिव का मतलब है दो एड हुए तो छे और दो हो गए आठ आठ में से छह यूज हो चुके हैं तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा लेकिन नाइट्रेट का अभी हमने निकाला इसका स्टीरिक नंबर होगा थ्री प्लस जीरो तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता CLO3 थ्री नेगेटिव अभी निकाल दिया हमने उधर तो इसका स्टीरिक नंबर होगा थ्री प्लस वन एसओ थ्री नेगेटिव इधर निकाल दिया इसका स्टीरिक नंबर भी थ्री प्लस वन इसका स्टीरिक नंबर भी थ्री प्लस वन सो आउट ऑफ फोर ऑप्शन पहला और फोर्थ ऑप्शन ऐसा जिसमें दोनों का स्टीरिक नंबर सेम आ रहा है इसका मतलब दे आर आइसो स्ट्रक्चरल लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दे शुड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए अगर मैं इसकी बात करूंगा कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स है तो कार्बन के छह इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन तीन है सिक्स थ्री हो गया एटीन प्लस दो नेगेटिव के सिक्स प्लस एटीन ट्वेंटी फोर प्लस टू हो गया ट्वेंटी सिक्स सो so, कार्बोनेट में 26, सिक्स एनओ थ्री में देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन ठीक प्लस ऑक्सीजन के सिक्स थ्री एटीन और प्लस वन नेगेटिव चार्ज का 18 प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी डेफिनेटली दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है तो यह आइसोस्ट्रक्चर भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है तो फिलहाल हमारा पहला ऑप्शन सही जा रहा है नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम इन द फोर्थ ऑप्शन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है प्लस ऑक्सीजन सिक्स थ्री आर एटीन ठीक नेगेटिव चार्ज वन सेवनटीन प्लस एटीन सेवनटीन प्लस एटीन तो ये हो गया थर्टी फाइव प्लस वन हो गया थर्टी सिक्स एसओ थ्री टू नेगेटिव सल्फर का एटॉमिक नंबर सिक्सटीन प्लस एटीन प्लस टू थर्टी फोर प्लस टू हो गया थर्टी सिक्स सो दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है और शेप भी सेम है इसकी भी शेप होगी पिरामिडल इसकी भी शेप होगी पिरामिडल, इसका मतलब है इसमें दो ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, एक तो कार्बोनेट, नाइट्रेट और दूसरा सीएल थ्री एस ओ थ्री इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शन सही है फर्स्ट एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन ठीक चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन on addition of concentrated sulfuric acid to a chloride salt colorless fumes are evolved but in case of iodide salt violet fumes come out this is because on addition of concentrated to chloride salt chloride salt any salt in the form of Cl negative plus sulfuric acid H2SO4 concentrated already I said sulfuric acid behaves as an oxidizing agent तो सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये इसको कन्वर्ट कर लेगा सपोज एनएसीएल है सोडियम क्लोराइड इसको डिकम्पोज कर लेगा एनएसीएल को इट फॉर्म्स एच सी एल प्लस एन ए एच एसओ फोर सोडियम बाई सल्फेट यह हो गया क्लोराइड सॉल्ट के साथ रिएक्शन लेकिन अगर हम यही रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ बनाएंगे plus H2SO4 concentrated, it first forms HI plus NaHSO4 या yeah, सल्फेट भी बना लेंगे लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड HI को ऑक्सीडाइज करके बनाता है iodine, and this iodine gives violet वाइलेट gas ये violet fumes देता है अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था ऑन एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू क्लोराइड सोल्ट क्लोराइड में बनाएगा एच सी एल कलरलेस फ्यूमर प्रोड्यूस एच का कोई कलर नहीं होता है बट इन केस ऑफ आयोडाइड सोल्ट जब हम आयोडाइड सोल्ट की बात करेंगे एच आई बनेगा एच आई इज बींग ऑक्सीडाइज इज बी ऑक्सीडाइज टू आयोडीन और आयोडीन जो होता है इट इज वाइलेट कलर गैस ठीक है दिस इज बिकॉज एच टू एसओ फोर रेड्यूस एच आई टू आयोडीन नो एच आई को ऑक्सीडाइज करता है एच आई इज ऑफ वाइलेट कलर नो एच आई वाइलेट कलर का नहीं होता है एच आई गेट्स ऑक्सीडाइजेड टू आयोडीन डेफिनेटली एच आई ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन यहां माइनस वन है यहां जीरो है तो ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है एच आई चेंजेस टू आयोडिक एसिड नो तो इसमें एच आई ऑक्सीडाइज होके आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है इस वजह से इसमें जो फ्यूम्स आते हैं दैट्स वाइलेट कलर फ्यूम्स ठीक नाउ इो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आउट ऑफ फोर ऑप्शन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना सकता है कार्बन पाइबोंड बनाता है नाइट्रोजन पाइबॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन पाइबोंड बनाता है सल्फर बी पाइबॉन्ड बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन दे बिलोंग टू सेकेंड पीरियड उनके पास डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं तो उनमें जो पाईबोंड अगर बनेगा वो होगा पी पाई पी पाई कैन यूज देयर पी ऑर्बिटल्स लेकिन सल्फर जब पाईबॉन्ड बनाएगा वो होगा वो दोनों टाइप का हो सकता है इधर पी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई तो इनमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जो डी ऑर्बिटल्स यूज करके पाईबॉन्ड बना सकता है दैट इज सल्फर बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और इसके पास डी ऑर्बिटर्स अवेलेबल है एज ए रिजल्ट इट कैन फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स ये है ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स बोरऑन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम अच्छा सवाल है आ भी चुका है जब हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट की बात कर लेते हैं गैलियम का जो मेल्टिंग प्वाइंट होता है दैट इज थर्टी डिग्री सेल्सियस दैट थ्री जीरो थ्री कैलिवेंट्स इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है ये समर्स में एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड स्टेट हा विंटर्स में 30 डिग्री से कम होगा ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इस वजह से ये यूज होता है कैन बी यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर तो द एलिमेंट विच हैज गॉट दिस स्पेशल प्रॉपर्टी गैलियम इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है दैट्स वाई गैलियम इज द एलिमेंट विच हैज गॉट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन एसिडिक इन नेचर इनमें से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है जब हम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर जेनरली बेसिक एंड सम मेटल ऑक्साइड्स आर इम्पोर्टेंट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जेनरली एसिडिक बट सम नॉन मेटल ऑक्साइड आर ऑल्सो न्यूट्रल कुछ नॉन मेटल ट्रांस मेटल्स के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होते इंटरमीडिएट में एम्फोटेरिक और हायर ऑक्सीडेशन सेट में एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं फ्रेंट इज गो टू दिस क्वेश्चन ये बोरान फैमिली का है बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम पीरियोडिक टेबल का एक ट्रेंड है जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इट मीनस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप्स बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन साइज सो डाउन द ग्रुप एसिडिकेक्टर डिक्रीज होता है तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो जब हम किसी ग्रुप की बात करेंगे पर्टिकुलरली वो एसिडिक होते हैं बीच में ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटरिक हो सकते हैं और जो लास्ट वाले हो वो बेसिक हो सकते हैं अब ये बोरान फैमिली का है इसका मतलब अगर इनमें से कोई सबसे स्ट्रॉग एसिडिक करेक्टर दिखा सकता है वो हो सकता है बोरॉन ऑक्साइड और जो बेसिक कैरेक्टर दिखा सकता है वो होगा थैलियम ऑक्साइड ठीक है और जो एम्फोटेरिक हो सकते हैं वो गैलियम है, इंडियम दिखा सकता है तो क्वेश्चन है तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर जो होगा वह होगा बी टू ओ थ्री का ठीक डाउन द ग्रुप हमेशा याद रखिएगा डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज वेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एक्रॉस द पीरियड एसिडिक इंक्रीज वेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जीबिशन ऑफ हाइस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटर्स इन द सेंट्रल एटम डेफिनेट है जब सेंट्रल एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो कॉर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट लाइकली टू एक्ट एज ए सेंट्रल एटम इन एम एफ सिक्स थ्री नेगेटिव तो एम एफ सिक्स थ्री नेगेटिव ये ग्रुप थर्टीन का सवाल है इनमें से कोई उन ये नहीं बना सकता है इसका आंसर बिल्कुल आसान है थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे कैन यूज देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स टू इंक्रीज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर बट फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इज फोर दैट इज टू एस एंड टू पी 2p में तीन ऑर्बिटल है s s तो एक ही ऑर्बिटल 2p में तीन ऑर्बिटल है इन टोटल वी हैव गॉट फोर ऑर्बिटल ठीक तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड पीरियड का जो मैक्सिमम हो सकता है डेट्स फोर इट कैन नॉट गो बियॉन्ड फोर बट थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड फोर सिक्स भी जा सकता है ठीक है अब देख लीजिए बोरॉन ऑन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम बोरान इज द ओनली एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड तो बोरान का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज फोर क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली फोर एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर फोर से ज्यादा भी कर सकते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोरान चले इट इज बिकॉज ऑफ अन एवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी ऑर्बिटल्स लेट्स मोर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल बोरिक एसिड एक स्पेशल कैटेगरी का एसिड होता है यह एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखाता है इफ यू गो टू द बोरिक एसिड इट्स एच थ्री बी ओ थ्री और बोरिक एसिड इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे दैट बी ओ एच इट्स ओ एच इट्स ओ एच एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगुनल प्लेनर पॉलिमेरिक होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉडी लेकिन इस वक्त सवाल है एसिडिक कैरेक्टर का बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड पहले ये बात ध्यान में रखना इट इज अ लिविस एसिड वाई बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वेन एवर इट रिएक्ट विथ वॉटर इट ब्रेक्स द वॉटर इन दैट प्रोसेस इट एक्सेप्ट ओ एच फ्रॉम द वॉटर एंड इज कन्वर्टेड टू बी ओ एच फोर टाइम्स नेगेटिव एंड इन दिस प्रोसेस इट कैन रिलीज एच पॉजिटिव सो इस प्रोसेस में बोरॉन प्रोटॉन डोनर नहीं है इट बिहेव एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द वॉटर सो इट इज नॉट ए प्रोटिक एसिड इट इज एस एसिड एंड इन दैट प्रोसेस प्रोटॉन इज बिंग रिलीज ओनली वन एच पॉजिटिव रिलीज, सो इट विव एज मोनोबेसिक लिविस एसिड तो बोरिक एसिड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट बिहेव एज मोनोबेसिक लिविस एसिड यानी इसकी बेसिसिटी वन है और ये प्रोटिक एसिड नहीं है इट बिहेव एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड हेंस कॉल्ड एज लिविस एसिड ठीक है सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद द वाटर अब देख लीजिए कौन सा कटा इट कंटेन्स रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव नो इफ इट कंटेन्स रिप्लेसेबल इट शुड है बी प्रोटिक एसिड ऐसा तो नहीं है तो ये प्रोटिक एसिड नहीं है इट गिव्स अप प्रोटॉन नॉट एट ऑल इट एक्सेप्ट ओच नेगेटिव फ्रॉम वॉटर रिलीजिंग प्रोटॉन डेफिनेटली ये ओइच OH एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द वॉटर रिलीजिंग प्रोटॉन इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है

ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स फॉलोज द ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका ट्रेंड टेक्स्ट बुक ने दिखाया है आ भी चुका है तो अगर हम ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स की बात करेंगे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम यह है ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स वी नो दैट जनरली डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज सो जनरल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू इनक्रीज इन साइज बिकॉज रेडियस इज इंक्रीजिंग ये जनरल ट्रेंड है लेकिन ग्रुप थर्टीन एलिमेंट में दो प्रॉब्लम अराइज होती है एक गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से होता है छोटा आर ऑफ गैलियम इज लेस देन आर ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कंट्रेक्शन प्रॉपर शीलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है अगर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है तो गैलियम की आयोनाइेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी आयोनाइेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर दैन आयोनाइेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यह पहली बात एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थैलियम इज द एलिमेंट दैट कम्स आफ्टर द लेंथनॉइड्स लेंथनॉइड्स खत्म होने के बाद थैलियम आ जाता है ज ए रिजल्ट ऑफ देंथ कॉन्ट्रेक्शन साइज कंटिन्यूसलीफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना डी एंड एफ का पोअर स्क्रीनिंग होना दैट इफेक्ट थैलियम जिसकी वजह से इसकी आयोनाइेशन एनर्जी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट से ज्यादा होती है एक्सेप्ट बोरॉन इट्स आयोनाइेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन गैलियम इंडियम ठीक है तो अब जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा सबसे टॉप पे रहेगा बोरॉन बोरान के बाद जनरली आना चाहिए एल्यूमिनियम लेकिन अभी हमने कहा लेंथन कंट्रैक्शन की वजह से दूसरे नंबर पे आ जाएगा थैलियम थैलियम के बाद फिर से बारी एल्यूनियम की लेकिन अभी हमने कहा कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है तो गैलियम की आयोनाइेशन एनर्जी ज्यादा होगी सो गैलियम फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉर ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स ठीक है यह टेक्स्ट बुक ने डेटा मेंशन किया होगा और यह है परफेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लेट्स लुक दैट इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम नो दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम नहीं आ सकता दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बोरॉन लेस देन एल्यूमिनियम हो ही नहीं सकता इनकरेक्ट बोरान तो सबसे ज्यादा है बोरान लेस देन एल्यूमिनियम ये भी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि बोरान की अल्मीनियम से कम हो ही नहीं सकती है जरा फोर्थ ऑप्शन तो देखिए बोरान ग्रेटर देन एल्यूमिनियम देख बट एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम ऑब्वियसली है एल्यूमिनियम की आयोनाइेशन एनर्जी गैलियम से कम है फिर गैलियम ग्रेटर देन इंडियम बट इंडियम लेस देन थैलियम तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स इज बोरॉन थैलियम गैलियम एल्यूमिनियम एंड इंडियम और इसमें जो इरेगुलरिटी आती है दैट इज बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स फॉर गैलियम इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन थ्री डी थ्री डी इलेक्ट्रॉन्स का पोअर शील्डिंग होता है एंड फॉर द थैलियम इट इज बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन तो ये वाला ऑर्डर इसका परफेक्ट ऑर्डर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड ऑफ बोरॉन रिएक्ट विथ अमोनिया। बोरॉन का कोई कंपाउंड है मान लीजिए एक्स लेकिन यह पता है यह बोरॉन का कंपाउंड है यह रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ रिएक्ट विथ अमोनिया टू ग्यू अनदर कंपाउंड वाई दिस कंपाउंड इज वाई विच इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेनजीन विनो दैट इनऑर्गेनिक बेनजीन इज बोराजीन और उसकी फॉर्मूला होती है बी थ्री एन सिक्स ठीक है और इसका स्ट्रक्चर भी अगर हम बना लेंगे ये होता है सिक्स मेंबर्ड लाइक बेंजीन अल्टरनेट पोजिशन पे नाइट्रोजन और बोरान होते हैं इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है ये है बोराजीन बी थ्री एंड थ्री एच सिक्स एंड एवरी एटम कंटेन्स हाइड्रोजन ऑल्सो यह है बोराजीन दैट्स कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन चले ये बन गया भाई

बी एफ थ्री रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इस प्रोसेस में बोरान का हाइड्राइड बनता है एंड यू नो डैट द बोरान का जो हाइड्राइड है दैट इज डाई इसका मतलब कंपाउंड होगा बी टू एच सिक्स इस प्रोसेस में हमें बाई प्रोडक्ट्स बाहर जो आएंगे वो होगा लिथियम फ्लोराइड प्लस एलुमिनियम फ्लोराइड वो बाहर जाते हैं इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन बी टू एच सिक्स डाइबोर डाइबोरेन को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा लेते हैं अमोनिया रिएक्ट विद डाइबोरेन ये पहले बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डिफिशन होता है इट सुप्लेट डाइबोरिन इन टू बी एच टू पॉजिटिव एंड बी एच फोर नेगेटिव इस बी एच टू पॉजिटिव के साथ दो अमोनिया कोऑर्डिनेट कर लेते हैं

फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा तो हमेशा याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेक्स्ट बुक ने दी है बी एफ थ्री बोान ट्राइफ्लोराइड वेन रिएक्ट विद लिथियम एल्यूनियम हाइड्राइड इट फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ बोरान एंड दैट हाइड्राइड इज डाइबोरेन हाइड्राइड ऑफ बोरान एक्स डाइमेरिक बी टू एच सिक्स बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रॉन डिफिशी देन वैन इट रिएक्ट्स विद अमोन इट फार्म वेरी वेल नोन कंपाउंड कार्ड एज बोराजीन कार्ड एज इनऑर्गेनिक बेनजीन उसकी फार्मूला बी थ्री एंड थ्री एच सिक्स का स्ट्रक्चर मैंने यहां बना लिया है ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट सवाल जो है थ्री एस आई सी एल इज यूज ज्यूरिंग पॉलिमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलिमर्स ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलिमर कॉल्ड एज सिलिकोन्स सिलिकॉन्स आर द ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलिमर जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होती है और ये प्रिपेयर कैसे होते हैं दे आर बींग प्रिपेर फ्रॉम मिक्सड कंपाउंड ऑफ आर एल्काइल विथ सिलिकॉन एंड क्लोरिन तो जब हम एस आई सी एल को ग्रिगनार्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते ये, 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 so कर ये बनाता है सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनमें होगा आर थ्री एस आई सी एल ये हो सकता आर टू एस आई सी एल टू ये हो सकता आर एस आई सी एल थ्री ऑन फिर जब इनको हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं ये बनाता आर थ्री एस आई ओ एच ये बना सकता है आर टू एस आई ओ एच और ये बनाएगा आर एस आई ओ एच होल थ्राइस और ये कंपाउंड्स यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलिमर्स कैसे तो जब हम इसकी कंडेंसेशन कर लेते देखिए ये कंडेंसेशन कैसे कर लेता सिलिकॉन पे तीन आर जुड़े हैं और एक साइड से ओ OH, एच जब दूसरा मॉलिक्यूल इसका आ जाएगा तो उस दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्मूला इस तरीके से होगी यहां से फिर से ओ OH, एच में वाटर निकलेगा बाहर यू गेट एस आई ओ एस आई यहां से आर 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 यहां से आर 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 तो ये डायमर बनाएगा अब देखो डाइमर क्यों बनाता है क्योंकि इसमें एक ही ओ OH एच है ये एक ही साइड से कंडेंसेशन करेगा तो डायमर बनाएगा लेकिन इसकी दो ओ एच OH ग्रुप्स है तो दो साइड से कंडेंसेशन करेगा इसका मतलब बनेगा लीनियर चेन तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो होगा एस आई ओएसआई हर सिलिकॉन दो साइड से करेगा और आर दो जुड़े होंगे अब जो तीसरा वाला होगा आर एस आई ओएच होल थ्राइस इसमें तीन साइड से ओएच लगे हैं तो इसका मतलब है ये शीट लाइक सिलिकॉन बना सकता है ये तीन साइड से हर सिलिकॉन बॉन्डिंग करेगा यहां से भी कर सकता है यहां से भी कर सकता है तो ये शीट लाइक बनाएगा तो यहां पे एक ओएच है एक ही साइड से करेगा डाइमर बना सकता है ये वाला लीनर चेन पॉलीमर बना सकता है और यह वाला शीट लाइक टू बना सकता है टू डी ठीक है नाउ क्वेश्चन अराइज वट आर द करेक्ट स्टेटमेंट दिस द चेन लेंथ ऑफ द ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग एम ई थ्री एस आई सी एल एम ई थ्री एस आई सी एल को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये बनाएगा एम ई थ्री एस आई ओ एच जब चेन लेंथ कंट्रोल करनी है chain, तो वह हैव तो ब्लॉक द चेन तो ब्लॉक करने के लिए वो वाला कंपाउंड यूज करें जो एक ही साइड से लिंकेज करेगा और वो वाला ये होगा इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चेन लेंथ को ब्लॉक कर लेता कर लेता देखो कैसे अगर हमारे पास एस आई ओ एस आई ओ फाइनली है सिलिकॉन इसके पास यहां से ओ OH एच है तो इस चेन लेंथ को ब्लॉक करने के लिए हमें वो वाला कंपाउंड एड करना है जिसको एक ही साइड से ओएच OH लगा होगा ताकि चेन लेंग ब्लॉक हो जाए ठीक है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एम ई थ्री एस आई सी एल ब्लॉक ऑफ सिलिकॉन बिल्कुल बिकॉज ओएच इज प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड तो ये एन टर्मिनल को ब्लॉक कर सकता है इट कैन कंट्रोल द चेन लेंग ठीक है तो ये वाला भी सही है एम ई थ्री एस आई सी एल इंप्रूव द क्वालिटी एंड यू नो क्वालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर यूजिंग तो इनकी जो क्वालिटीज़ है वाटर रिपेलिंग क्वालिटीज होती है इनकी इंसुलेशन क्वालिटीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स तो उसमें और आर की वजह से आ जाती है उसमें कौन सा टाइप का हम यूज करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये वाला इन ऑप्शन है एम ई थ्री एस एक्ट एज ए कैटलिस्ट नो तो एम ई थ्री एस आई सी एल जिसका हाइड्रोलिस प्रोडक्ट होगा एम ई थ्री एस आई ओ एच ये हम यूज करते इधर टू तो फॉर्म डाइमर और टू तो कंट्रोल द चेन लेंथ बिकॉज चेन लेंगे कंट्रोल तभी करेगा जब ये एंड पोजिशन पे ब्लॉक कर सकता है चेन को इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड चले अगले क्वेश्चन पे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स इनमें करेक्ट है दिस इज क्वेश्चन अबाउट एलो ऑफ कार्बन हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डैंगलिंग बॉन्ड्स कौन से होते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स आर दे जो कार्बन एटम्स सरफेस पे होते हैं इनके हिसाब डायमंड एंड ग्रेफाइट विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस क्योंकि सरफेस पे और ऊपर से कोई कार्बन नहीं होगा सो दीज कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट दे फॉर्म बॉन्ड्स विद द इंप्योरिटीज फ इंप्यूरिटीज रिमोन बॉन्ड्स ब्रेक इफ इंप्यूरिटी का बॉन्स बना सकता है एक इंप्यूरिटी दूसरे से अगर रिप्लेस होगा इसका मतलब एक इंप्यूरिटी से बॉन्ड ब्रेक करके दूसरी इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बना सो दीज बॉन्ड्स आर ट्रांजिशनल बॉन्ड्स उन टाइप के बॉन्ड्स को हम कहते हैं डेंगलिंग बॉन्ड्स लेकिन ये डेंगलिंग बॉन्ड्स खाली होते हैं डायमंड में इट इज बिकॉज ऑफ फ्लोरिन में सिक्स मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग्स बनते हैं ठीक है सिक्स मेंबर और फाइव मेंबर रिंग्स बनते हैं तो उनमें सरफेस पे कोई भी कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं होती है बट इनके साथ बो डायमंड एंड ग्रेफाइट वैलेंसी ऑन द सर्फेस कार्बन इज नॉट कंप्लीट एज अ रिजल्ट इम्प्यूरिटीज के साथ बॉन्ड है, बनाते हैं उन बॉन्ड्स को कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स तो फ्लोरिन डैंगलिंग बॉन्ड्स नो डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं वो डायमंड और ग्रेफाइट में होते है. तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्लोरिन केज लाइक मॉलिक्यूल सॉकर बॉल बक्की बॉल जिनको हम कहते हैं सिक्स मेंबर और फाइव रिंग्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो हैं सिक्स मेंबर्ड और ट्वेल्व होते हैं फाइव मेंबर केज लाइक स्ट्रक्चर सॉकर बॉल टाइप स्ट्रक्चर बक्की बॉल टाइप स्ट्रक्चर तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon and this statement is very very important out of all the three allotropes of carbon graphite is taken as the reference state of the carbon it's thermodynamically most stable ठीक है तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड ग्रेफाइट स्लिपरी होता है लेकिन हार्ड नहीं होता ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सर करेक्ट आई थिंक इसमें ऑप्शन तो नहीं नहीं ऑप्शन इसमें मिस हुए हैं इसका मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हो गया मल्टीपल ऑप्शन होगा ये बिल्कुल परफेक्ट होता है इसमें फाइव और सिक्स मेंबर ड्रिंक्स मैंने इधर डिस्क्रिप्शन दिया थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट बिल्कुल सही है ग्रेफाइट स्लिपरी होता है लेकिन हार्ड नहीं होता है सॉफ्ट होता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिगर तो फिगर इज नॉट मेन्शन हेयर ये डाइबोरेन का सवाल है बी टू एच सिक्स ठीक है लेट्स गो टू द डाइबोरेन अगर हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं डायबोरेन होता है बी टू एच सिक्स इसमें दो ब्रिज हाइड्रोजन होते है चार टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं चार टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं बोरान की हाइब्रिडाइजेशन इसमें एस थ्री होता है ये एसपी थ्री हाइब्रेडाइज होता है जब हम ब्रिज हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात कर लेते हैं ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स होते थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन क्लोर्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं इस वजह से इस टाइप की बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं बनाना बॉन्डिंग दिस इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्डिंग ये इस तरीके से होता है ठीक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान एज पी थ्री ये वाले स्पेशल बॉन्ड्स होते थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स और टर्मिनल होते हैं जनरल सिंपल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ठीक अब इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है डाइबोरोन बोरान की हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री तो जब बोरान sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा देता है अगर मैं इस बोरान को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेता हूं बोरान sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है चार यहां से दूसरा बोरान भी चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है लेकिन बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन ही होते हैं इसका मतलब आउट ऑफ फोर तीन में ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके तीन में इलेक्ट्रॉन होता है फिर जब हाइड्रोजन यहां ओवरलैप करेगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है यहां पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर आप ये ब्रिज बॉन्ड देखोगे इसमें बोरान हाइड्रोजन बोरान आता है तो थ्री सेंटर यानी थ्री एटम्स आता है लेकिन इलेक्ट्रॉन खाली दो है इस वजह से थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन ये भी थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन लेकिन यहां पे जब हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा इट इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन एंड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टर्मिनल नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन लेकिन ब्रिज होते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ठीक है लेट्स गो द टू ऑप्शन एटम्स एंड टू बोरान एटम्स लाइन इन वन प्लेन ऑब्वियस है ये हाइड्रोजन 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 ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहते हैं आउट ऑफ सिक्स BH बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स डेफिनेटली है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है यह थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आउट ऑफ सिक्स बी एच बॉन्ड्स फोर बी एच बॉन्ड्स कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फोर बी एच बॉन्ड्स कैन बी नो फोर नहीं खाली दो होते हैं फोर होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है द फोर टर्मिनल बी एच बॉन्ड्स आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन रेगुलर बॉन्ड्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो टर्मिनल होते हैं ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है ठीक है तो अब कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इट इज वन टू एंड फोर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दट फोर्थ वन मैच द स्पीशीज गिवन इन द कॉलम ए विद द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम सेकेंड मैचिंग टाइप डाइबोरेन गैलियम बोरेक्स एल्यूमिनोसिलिकेट पॉट्स अब यहां से यूज एज ए फ्लेक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स फ्लैक्स हमने मेटलॉजी में भी डिस्कस किया क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका इनमें से सिलिका की कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म है बेनान बॉन्ड्स अभी हमने डिस्कस किया लो मेल्टिंग हाई बॉइलिंग यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर यह पॉइंट भी आ चुका है यूज इड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ठीक है तो अगर हम फ्लक्स की बात कर लेंगे फ्लक्स सॉल्ट होता है यह सॉल्ट होता है किसी भी एसिड बेस का सॉल्ट होगा अगर हम इनमें से सॉल्ट की बात करेंगे वो होता है बोरेक्स बोरेक्स की जो फॉर्मूला है बोरेक्स इट इज सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ बोरिक एसिड इट इज एन ए टू बी फोर ओ सेवन प्लस एट टाइम्स वाटर यह बोरेक्स की फॉर्मूला तो यह सॉल्ट है सोडियम और बोरिक एसिड की यानी डिकम्पोज इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बोरॉन तो यह बिहेव कर सकता है या सोडियम ऑक्साइड और बोरिक एसिड दे बोरिक ऑक्साइड दे सकता है तो यह कंपाउंड बिहेव कर सकता है एज अ फ्लेक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स तो इसका मतलब है बोरेक्स इज यूज फॉर दिस सेकेंड है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका सिलिका इज सिंपली एस आई ओ टू सिलिका इज एस आई ओ टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठीक है इसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं ठीक है उनमें से एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कॉट्स सो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका जो है दैट कॉट्स बनाना बॉन्ड्स अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स द शेप ऑफ बनाना एज अ रिजल्ट वी कैन से बनाना बॉन्ड्स किस कंपाउंड में होते हैं डायबोरियन दैट इज बी टू एट सिक्स बनाना बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डायबोरेन लो मेल्टिंग हाई बॉइलिंग यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर बहुत पहले ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और लो मेल्टिंग हाई बॉइलिंग यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर यह होता है ग्रुप थर्टीन एलिमेंट स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद गैलियम यह होगा गैलियम लास्ट यूजड एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज दैट इज एल्यूमिनियो सिलिकेट एल्यूमिनियो सिलिकेट क्या होता है सिलिकॉन डायऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है सिलिका या कॉट्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है जॉइंट टाइप स्ट्रक्चर इन विच एवरी सिलिकॉन इज टेट्राहेडली सराउंडेड बाय फोर ऑक्सीजन एंड इट कंटेन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स अगर हम इस टेट्राहेडल स्ट्रक्चर इस जॉइंट स्ट्रक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस कर लेंगे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर लेंगे तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे उनको बैलेंस करने के लिए हम या तो ग्रुप वन कैटाइंस यूज करते हैं या ग्रुप टू कैटाइंस यूज कर सकते एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड एल्यूमिनियो सिलिकेट्स में आता है सोडियम एल्यूमिनियो सिलिकेट सोडियम एल्यूमिनियो सिलिकेट एन ए टू एल एस आई टू तो इसके साथ ऑक्सीजन इसके साथ तीन इसके साथ चार तो हो गए आई थिंक नाइन ऑक्सीजन प्लस एक्स टाइम्स वाटर लेट्स सी ऑक्सीजन सोडियम के साथ होगा एक ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ हो गए तीन ऑक्सीजन सिलिकॉन डाइऑक्साइड दो के साथ हो गए चार चार तीन सात और एक हो गया आठ इट्स नॉट नाइन टाइम्स और इट्स एट टाइम्स तो यहां एट टाइम्स लिख दीजिए ठीक है तो ये बनता है सोडियम एल्यूमिनिकेट और इसी कंपाउंड को नाम हम देते सोडियम जियोलाइट इट्स कॉल्ड एज एन ए टू जेड ये जेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियो सिलीकेट को एंड हैव द टेंडेंसी टू बिहेव एज कैटेलिस्ट ठीक है टेक्स्ट बुक ने लिखा होगा यू कैन रीड आउट द टेक्सट बुक इट इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इट इस ऑल्सो यूज फॉर रिविंग हार्डनेस फ्रॉम द हार्ड वाटर हार्ड वाटर को हार्डनेस रिमूव करने के लिए जियोलाइट्स यूज किए जाते हैं सो द कंपाउंड विच आर यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर एल्यूमिनियो सिलीकेट्स वन फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियो सिलिकेट इज जियोलाइट्स ये वाला यूज हो जाता है तो ये था मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो इसमें मैंने कोशिश की कि मेजोरिटी जो कॉन्सेप्ट है इफ यू लुक एट देयर इसमें ग्रुप थर्टीन ग्रुप फोर्टीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सभी ग्रुप्स के क्वेश्चन थे ठीक है तो होप दैट आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एंड आवर डिस्कशन वॉज टोटली बेस्ड ऑन एनसीआर कॉन्सेप्ट हम एनसीआर टेक्स्ट बुक से एक इंच भी बाहर नहीं गए हैं अगेन आई रिक्वेस्ट यू पीपल वेन एवर यू प्रिपेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोंट गो एन इच आउटसाइड एनसीआर टेक्स्ट बुक एक इंच भी नहीं जाना है सारे के सारे क्वेश्चन एनसीआरटी टेक्स्ट में आ, आ जाते हैं और जो हमारा डिस्कशन चारों चैप्टर्स का था जो क्लास ट्वेल्थ के मेटेलर्जी पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड हमने अपना डिस्कशन परफेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रखा और हर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए पर्टिकुलरली मैं पी ब्लॉक की बात कर लेता हूं पी ब्लॉक से सारे स्टूडेंट्स डरते डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एनसीआर से एनसीआर की थारो रीडिंग कर लीजिए और मैंने जो क्वेश्चन यहां से निकाले हमने ये कोशिश की है पूरी टीम ने कोशिश की है ताकि आपको जो क्वेश्चन मिले वो एनसीआरटी का एक्स्ट्रैक्ट मिले ठीक है तो होप दैट ये आपको हेल्प करेगा तो अब मैं याद रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह हाफिज